देखो क्या आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है एलिमेंट्री स्टेप में किसी रिएक्शन के जो पार्ट करते हैं उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे इसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखे थे, तो जो भी उसका एलिमेंट्री स्टेप होता है, ठीक है, उसमें किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसका मॉलिक्यूलरिटी उसके एलिमेंट्री स्टेप में जो पार्ट लेते हैं मॉलिक्यूल्स उसको। जैसे मान लो एक एग्जांपल है H2 प्लस Br2 बन गया 2HBr। ठीक है, अब इसमें देखो अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं केवल और केवल रिएक्टेंट की, ठीक है, यानी रिएक्टेंट ही लगातार घटता है और प्रोडक्ट लगातार बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड जो भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि एलिमेंट्री स्टेप में किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो पार्ट करेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो यहाँ पे H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक। H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक। Br2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक। तो टोटल कितने हो गए मोलारिटी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, तो हो गई। ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट्री स्टेप है, क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप अगर कोई रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होता है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा NH4NO2 N2 प्लस 2H2, तो NH4NO2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, यानी जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है ना, अभी तो सिंगल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी तो तुरंत आप बता सकते हो, सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप वही उसका एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन तो उसके लिए तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गए जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो तब उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी सबसे स्लोवेस्ट जो भी रिएक्शन होगा जो स्टेप, मतलब कि ऐसा स्टेप जो स्लोवेस्ट हो, ठीक है, जो स्लोवेस्ट होगा स्टेप वही उसकी क्या बताएगी, रेट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी बताएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एग्जांपल में हम लोग 2NO+O2 लिए और 2NO2 बनाए, तो ये तो हमको ये देखने में तो लग रहा है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप तुरंत बताओगे कि दो दो और एक क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी से कितनी हो गई, तीन। लेकिन ये एक्चुअल में है कितना, इसका दो स्टेप में, ये दो स्टेप में होगा ये रिएक्शन, दो स्टेप में होगा। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन देखिए, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन देखा जाए तो देखो बेटा NO+O2 मिलेगा तो बनाएगा हमारा क्या, NO3। क्या बनाएगा बेटा, NO3 बनाएगा, जो कि ये एक इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है ये, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये है फास्ट रिएक्शन, क्या है बेटा, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करेगा यानी कि NO3 पार्टिसिपेट करेगा NO के साथ, NO3 पार्टिसिपेट करेगा NO के साथ, तब ये बनाएगा क्या, NO2 बनाएगा, और ये जो रिएक्शन है होता है, ये होता है स्लो रिएक्शन।
तो हम लोग क्या बोले कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप व्हिच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, जो कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही बताएगा इसके रेट के बारे में, जो कि रेट डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइन करता है और यही इसको क्या बताएगा इसके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो हो गई, आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जो भी मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट्री स्टेट में पार्टिसिपेट किए हुए, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अगर हम लोग कोई भी अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन इस तरीके का है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मान लो ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो रेट अगर इस इक्वेशन की लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, इसी जो किया है तो इससे ही हम लोग रेट का एप्लीकेशन लिखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, स्लो जो है वही रेट डिटरमाइन करेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये बना हमारा NO3 प्लस NO, बनाया क्या बेटा मेरा NO2 बनाया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसके रेट पर निकाले तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के एनओ थ्री और ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लो, अब हम लोग यहां से एनओ थ्री और एनओ, लेकिन यहां पर जब हम लोग का मेन जो इक्वेशन है वहां पे एनओ थ्री का तो नाम ही नहीं है, तो हमको एनओ थ्री को हटा के कुछ और लिखना पड़ेगा जहां पे एनओ का फॉर्म हो, ठीक है। तो इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट स्टेप में देखो, तो फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या था, NO प्लस O2, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू NO3। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, क्या पे क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें। तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारा क्या है, के डैश है, क्या है, के डैश है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग 11th में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते थे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में NO3 था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर लिखा जाए तो NO और O2, तो यहां से हमारा क्या निकल गया, NO3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं बेटा, देखो NO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO3 की अगर वैल्यू निकाले तो K डैश NO O2 हो जाएगा। अगर तब हम लोग इस रेट ऑफ रिएक्शन में NO3 की जगह ये रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो लिख लो रेट इज इक्वल टू के के डैश NO O2 NO 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 हो जाएगा के के डैश NO टू, ठीक है, के के डेस हो जाएगा के डबल डेस NO टू ओ टू, ये हो गया रेट ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो रेट ऑफ रेट इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन
क्या होता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। यानी अगर हम लोग इसके कोई एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उस जगह पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखे हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डीटी डीआर अपॉन डीटी, ये लिखते थे ना। अब ये जो है ये इक्वल होता है किसके बेटा के, और चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट का पावर क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। तो अब देखो बेटा माइनस जो है वो डी आर अपॉन जो डी टी था वो क्या हो जाएगा के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस के डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस से मान लो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस के हो गया डी टी इधर चला गया हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्योंकि यहां पर लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर प्लस माइनस के कांस्टेंट है हो जाएगा बेटा डी टी हो जाएगा। अब देखो डी आर जो है हो जाएगा आर ठीक है ना, ठीक है टोटल रिएक्टेंट ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाते हैं ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू निकालेंगे ठीक है, क्या निकालेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब बताओ देखो बेटा एट टाइम टी पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि उस समय रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है ठीक है, तो उस समय हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो हो जाएगा वो भी अपने इनिशियल पोजीशन पे होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन आर नॉट ठीक है ना, इनिशियल रिएक्टेंट आर नॉट क्या है इनिशियल रिएक्टेंट है ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो रख दो पुट कर दो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो और आर जगह पे क्या रख दोगे आर नॉट पुट करोगे तो हो जाएगा क्या आर नॉट इज इक्वल टू जीरो प्लस सी ये पूरा जीरो हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गया बेटा आर नॉट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ गई आर नॉट। तो अब बताओ कि सी की जगह आर नॉट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं सी की जगह आर नॉट रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो फिर से पुट कर दो तो हमारा जो रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस के टी प्लस आर नॉट ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले बेटा ना, तो हम लोग मैथ में एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़े थे y = mx + c tenth y = mx + c m जो होता था वो स्लोप होता था ठीक है। तो अगर हम लोग t और r यानी कि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक हम लोग क्या करें ग्राफ प्लॉट करें ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा देखो ये हो गया टी टाइम ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन ठीक है ना ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो बेटा ये वाई की फॉर्म में है ये जो माइनस किया ये हो गया एम एक्स टी हो गया प्लस ठीक है। तो अब देखो इसके लिए जो हमारा बनेगा जो प्लॉट वो इस तरीके से बनेगा ठीक है, ये हो गया मेरा
आर नॉट, और जो मेरा स्लोप होगा स्लोप वो माइनस के, क्यों नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एम है वो किसमें है माइनस, यानी धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ रिफ्लेक्ट क्या होगा घटेगा, तो इस तरीके का क्या हो गया मेरा ग्राफ हो गया किसके लिए जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसी तरीके से सेम हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई यहां पर भी हमारा कोई क्या है रिएक्टेंट है जो कि चेंज हो रहा है किसमें बेटा प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर लिखते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए बन हो जाता था। ठीक है, अगर हम लोग इसके लिए निकाले हैं तो बी आर अपॉन डी टी, सॉरी इसको इधर कर दो, आर अपॉन के डी टी माइनस इधर कर दो, तो बी आर अपॉन आर माइनस के डी टी। ठीक है, ये हो जाता था। आप इसमें भी क्या करोगे, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बेटा, जब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड हो जाएगा बेटा डी आर आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। तो बेटा देखो डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स ln x, ln x होता था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln r is equals to minus kt plus c, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम वैसे ही चलेगा जैसे वो वाला चला था, एट t जीरो पे जो हमारा r होगा वो क्या होगा r नॉट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग t जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ln r नॉट इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो अब ये c की वैल्यू फिर उठा के इसमें रख दिया जाए, रख दोगे तो क्या हो जाएगा ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, कोई डाउट? अब इससे भी हम लोग एक क्या कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे, कर सकते हैं ना, एक ग्राफ इससे बन जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग को किसके फॉर्म में बन जाएगा लॉग के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये देख लो इसके लिए, अगर इसके लिए ग्राफ हमारा कैसा प्लॉट होगा, देखो ये हो गया मेरा एक्स टाइम, ये हो गया वाई, ठीक है, और ये हो गया मेरा क्या इनिशियल, ये हो गया एल एन आर ना, और ये हो गया हमारा क्या ग्राफ हो गया कैसा माइनस के स्लोप। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नीचे आ रहा है ग्राफ, यानी कि क्या है रिएक्टेंट, मतलब कि माइनस में है ना, तुम्हारा स्लोप जो है माइनस में है एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसी को आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसी जो इक्वेशन अभी हम लोग ये प्रूव किए, ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे लॉग में चेंज करेंगे। तो अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज दें kt प्लस में हो जाएगा, इसको इस साइड भेज दें तो एंटी लॉग जो है वो किस तरह से माइनस में हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं kt इज इक्वल्स टू ln r नॉट, लिख सकते हैं माइनस
ln r, ठीक है, log, अब देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या है, log a अपॉन b, ठीक है, तो ये हो जाएगा kt इक्वल्स टू ln r नॉट अपॉन r, ठीक है। अब अगर हम लोग ये ln को log में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, kt इज इक्वल्स टू 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं आता, नहीं, ठीक है, तो अब ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग के का फॉर्म में निकालें इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2.303 log r naught upon r, लिख सकते हैं is equals to kt है, तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं log r upon k r, मैं सॉरी r naught upon r, ये इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा kt upon 2.303, ठीक है, ये हो गया हमारा y, ठीक है, ये हो गया हमारा m और ये हो गया x, ठीक है, ये भी हमारा m x plus c के फॉर्म में बन जाना, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो टाइम और ये हमारा बनेगा log r नॉट अपॉन, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये क्या है, ये मेरा m जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्लोप निकालने हैं, तो स्लोप हमारा इस तरीके से बन जाएगा, कि हमारा स्लोप होगा किसका, k अपॉन 2.30 आई बात समझ बेटा, तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ इंटीग्रेटेड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड की या हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, वो समय, ठीक है, जितने समय में जो रिएक्टेंट है अपने इनिशियल पोजीशन का हाफ हो जाए, जिस टाइम में कोई रिएक्टेंट जो है अपने इनिशियल पोजीशन का क्या हो जाए, इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों का पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग बेटा जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़े, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था हमारा, क्या था बेटा, ये था हमारा आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, आर नॉट जो था वो क्या था बेटा, इनिशियल, ठीक है, ठीक है, सी था इनिशियल, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे था ना बेटा, याद है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वो क्या था, आर नॉट था ना, यानी कि ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ना। तो अब हम लोग हाफ पीरियड के लिए निकालेंगे, तो हाफ टाइम के लिए जो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, टी बाई टू, तो जब टाइम जो है वो आधा हो जाएगा तो रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू, जो फाइनल हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो पुट कर दो इसी में, तो आर नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाई टू प्लस आर नॉट, ठीक है, ठीक है बेटा। हमको हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी यानी टी बाई टू निकालना है, तो पहले देखो माइनस के टी बाई टू इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू माइनस आर नॉट हो जाएगा,
आर नॉट इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, आर नॉट बाई टू बचेगा, बचेगा कि नहीं, माइनस आर नॉट बाई टू बचेगा, ठीक है, माइनस आर नॉट बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो टी बाई टू, नहीं टी हाफ है ना, टी बाई टू यानी टी हाफ हो गया ना, ठीक है, तो टी बाई टू, टी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू के, आर नॉट बाई टू के हो जाएगा, ठीक है, ये जो टाइम है वो वन बाई टू हुआ ना, टी जो है हाफ हुआ है, ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि कांस्टेंट दे देगा, टी हाफ दे देगा तो ये अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट दे देगा, कांस्टेंट दे देगा तो टी हाफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, लिख लीजिए इसको, देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर भी अब हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या लिखे थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखे थे, लॉग के फॉर्म में अगर हम लोग इसको बनाए तो हमारा हाफ पीरियड के लिए टी वन बाई टू हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, तो हमारा जो आर है वो क्या जाएगा, आर नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो अभी इस जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें तो हो जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन के आर नॉट बाई टू, आर से आर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा लॉग टू, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, के टी ऑफ अपॉन 2.303, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 2.303 log 2, ये हो जाएगा k t half, ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख दें तो t half log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो अब यहां पे वैल्यू रखोगे तो देखो 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है, यह हो जाएगा के टी वन बाई टू, इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693, क्या हो जाएगा 693 इज इक्वल टू के टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स, दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, दिस इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशन, ठीक है, यानी कि बेटा कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन हो, अगर वो इफेक्टिव कोलिजन है तो वो हर समय एक इफेक्टिव कोलिजन मिलके एक बॉन्ड को ब्रेक करता है, और हर एक कोलिजन में एक नया बॉन्ड बनता है, किसका, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म बनेंगे लगातार, कब, जब एक इफेक्टिव कोलिजन होगा, किसके बीच, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलिजन थ्योरी क्या कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच अगर एक इफेक्टिव कोलिजन होता है तो हर समय एक नया बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक नया प्रोडक्ट का बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से लगातार जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये कौन बता रहा है, कोलिजन थ्योरी, लेकिन बेटा एक इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, तो दो कंडीशन में डिपेंड कर रहा है, पहला कंडीशन क्या है, एनर्जी फैक्टर, दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर क्या है, टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड पोजेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी
कि जो अब जो जो मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे आपस में कोलिजन करेंगे उनकी एनर्जी या तो इक्वल होनी चाहिए या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी बात आती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या करती है मॉलिक्यूल्स को दी जाती है। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए किसी एक मॉलिक्यूल्स को दी जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा जो एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो तभी एक इफेक्टिव कोलिजन होगा, क्योंकि उससे कम आएगा तो कोलिजन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरीके का है और हमेशा हर एक प्रोडक्ट हर एक रिएक्टेंट या हर एक कोई भी चीज जो है वो एक स्टेबल में आना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है अपने आप को। तो अगर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी लो होगी, स्टेबल नहीं है तो उसकी एनर्जी हाई होगी। तो मान लो कि यहां से इस जगह पे उसको आना, इस जगह पे कोई चीज और इस जगह पे उसको आना है, तो यहां से हमको पुश करना होगा, उसको पुश करना होगा, पुश करके हमको इस जगह पहुंचा देंगे। खाली अगर इस जगह हम उसको पहुंचा दें तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो जो इसके इसको हम यहां से एनर्जी देंगे वही एनर्जी उसकी क्या कही जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये क्या होती है, क्योंकि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो ये मिनिमम एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे पहुंच गया तो ये क्या हो गया, अब ये इस जो पोजीशन पे पहुंचा इस पोजीशन को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी या तो रहे किसी मॉलिक्यूल्स के पास या इससे ज्यादा एनर्जी रहे, इससे ज्यादा एनर्जी होगा तो भी क्या होगा, अपने आप प्रोडक्ट में चेंज जाएगा। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को पुश कर रहे हैं हम, एनर्जी दे रहे हैं, तो जो मिनिमम एनर्जी यहां तक के लिए दे रहे हैं उस एनर्जी क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस लेवल पे जो हाई लेवल पे है उस एनर्जी क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई बात समझ में, तो एनर्जी फैक्टर क्या है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स के पास क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये एक आर्नियस इक्वेशन है, यही चीज कि e a e की पावर e a अपॉन r t, जो ये है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर और e a क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। r क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं आते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर में। सबसे पहली बात कि जो ओरिएंटेशन के जो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो नया प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है उसके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहे हैं। अब बात समझो कि कोलिजन, अब ये मेरे सामने दरवाजा है, ठीक है, अगर ये दरवाजा ओपन है मैं यहां से निकला, ठीक है, दरवाजे पे कोलिजन टकरा भी गया, दरवाजा उधर से ओपन अगर हो गया तो मैं निकल गया, तो ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ कि मैं निकल गया बाहर। लेकिन अगर मैं गलत डायरेक्शन में जाके टकरा दूं और उससे निकलने का प्रयास करूं कि निकल जाऊं, उससे तो क्या निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, दीवार में टकराते चले जाएंगे। तो ये क्या, ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इधर से धक्का मारे और हमारा दरवाजा क्या उस साइड से खुल रहा है तो क्या होगा, हमारा इफेक्टिव कोलिजन हो गया, हम बाहर निकल गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की कैसी है। ठीक है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस अ प्रॉपर ओरिएंटेशन टू अंडरगोस इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए उनके ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे देखो यहां पे CH3Br प्लस OH के साथ रिएक्शन करवाया गया, लेकिन आप बात समझो, यहां पे Br है इस डायरेक्शन में, OH है इस डायरेक्शन में, ठीक है, OH जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन इस साइड में अटैक किया, Br के साइड में, साइड से क्या किया, OH अटैक किया। तो जब OH अटैक किया, देखो Br के पास क्या है, ठीक है,
ठीक है, और इसके पास भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, बी आर के रास्ते में आएगा, दोनों आपस में माइनस माइनस, तो ओरिएंटेशन ही नहीं होगा, ओरिएंटेशन सही नहीं है तो क्या होगा, कोलिजन ही नहीं होगा। तो इस जगह पे कोलिजन तो आपस में टकरा तो गए, टकराए तो, लेकिन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, टकरा तो जाएंगे, कोलिजन हुआ लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ इसलिए रिएक्शन नहीं हो। लेकिन इसी ओएच को घुमा के हम इस साइड ले आए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस के साथ मिल गया, तो देखो यहीं पे सी एच थ्री के साइड से ओएच अगर अटैक किया तो क्या बन गया, एस एल टू रिएक्शन के थ्रू क्या बन गया, सी एच थ्री ओ एच प्लस बी आर माइनस, यानी प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो रिएक्शन हो गया और प्रोडक्ट बन गया। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव कोलिजन तुम्हारे दो तरीके पे डिपेंड करते हैं, एक होता है एनर्जी फैक्टर पे, जिसमें उसकी, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट की उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर, तो ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या होनी चाहिए, उनके ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्लियर कोलिजन थ्योरी। सबसे पहली बात कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाई द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन अंडर गो इफेक्टिव कोलिजन टू चेंज इट इंटू प्रोडक्ट, कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में चेंज करता है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो मिनिमम एनर्जी जो उसको इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा, द एक्स्ट्रा एनर्जी विच मस्ट बी गिवेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि रिएक्टेंट की वो एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दे दी जाए, तो वो एनर्जी, वो जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर एक मान ली इस तरीके के, ठीक है ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को यहां से यहां तक ले जाएंगे तब तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको मिलेगा, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को यहां से यहां तक जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो यहां से यहां तक ले जाता है ना, ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल जो एनर्जी करता है उसी एनर्जी को एक्टिवेशन, एक्टिवेशन यानी एक्टिवेट करना, किसको, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देके उसको एक्टिवेट करना है, किसके लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा तो वो उसको इफेक्टिव कोलिजन की तरफ भेज देता है। और ये चीज जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बोला जाता है। क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, किसका, किसके बीच में रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है ना, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो जो कि जिसको एक्सप्रेस करते हैं के इज इक्वल टू ए के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इसमें देखो दोनों साइड में हम लोग क्या ले लिए, लॉग ले लिए, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, ई से एल एन कट कैंसिल हो गया तो माइनस ई ए आर टी हो जाएगा। अब एल एन को हम लोग लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो बेटा ये जो है ये हो गया हमारा वाई, ठीक है ठीक है, और ये हो गया टी, जो हो गया टाइम हो गया, ठीक है। अब इसके बीच ड्रॉ करें, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ के, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ के। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ के वाई हो गया, ये हो गया वन अपॉन टी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया एम हो गया, ये अपॉन 2.303 क्या हो गया एम हो गया। तो इसके लिए ये क्या है एम एक्स प्लस सी, ये सी है लेकिन एम की एक एक्स क्या है, जो जो मेरा एम है वो क्या है निगेटिव है, एम क्या है नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको इधर कर दो, ये सी हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, देखो log of k is equals to minus ea upon 2.303 rt plus log a, लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया y, हाँ ये हो गया m, 1 upon t जो हो गया x हो गया, c हुआ कि नहीं हुआ। तो m क्या है, मेरा जो स्लोप है वो निगेटिव में है कि नहीं, तो इसका जो हम स्लोप जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो मेरा स्लोप है वो क्या है, ये अपॉन 2.303 है, आई बात समझ में, हाँ। और ये मेरा कांस्टेंट हो गया लॉग ए हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है, आई बात समझ में ही नहीं आई। तो ये हो गया, इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर था क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, क्लियर।